यार पिछली बार आप लोगों ने देखे थे कि किस तरह से हम इस दरवाजे को इस रिमोट के जरिए से खोल रहे थे और बंद कर रहे थे, यानी कि टॉय रिमोट से खोल रहे थे और बंद कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो आइडिया काफी पुराना हो चुका है, तो अब सोचते हैं कुछ नया। तो क्यों ना इस दरवाजे को जो है पूरा पूरी ऑटोमेटिक बना दिया जाए, यानी कि जब भी हम इस दरवाजे के सामने आए तो ये दरवाजा जो है ऑटोमेटिकली खुलने लगे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से शॉपिंग मॉल में खुलता है, आप जब भी शॉपिंग मॉल के दरवाजे के सामने जाते हैं वो दरवाजा जो है ऑटोमेटिकली खुल जाता है। लेकिन वो दरवाजा जो है स्लाइड डोर होता है और वो जो है दोनों तरफ सकता है। लेकिन इस टाइप की दरवाजे में आपको कहीं पर भी जो है ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं मिलेगा। तो इस तरह के दरवाजे को ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनाया जाए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सके। तो चलिए बनाते हैं इस दरवाजे को ऑटोमेटिक। तो चलिए इसे बनाते हैं। इस चीज के बनाने के लिए जो जो लगेगा मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें आर्डिनो यूनो का बोर्ड, रिले मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 चैनल रिले मॉड्यूल लिया हूँ, लेकिन आप जो है 1 चैनल रिले मॉड्यूल का यूज कर सकते, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, और आपको जरूरत है ये वाला गियर मोटर की। ठीक है, और जरूरत पड़ेगा कुछ बैटरीज की। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैटरी तो लगेगा ये चलाने के लिए। तो इसका कनेक्शन कैसा होगा, चलिए हम लोग फटाफट से इसका कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे जम्पर वायर्स की। तो इसका सर्किट डायग्राम जो है काफ़ी आसान है, आप इसे जो है आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमने कनेक्ट कर लिया है। इसको हमने कैसे कनेक्ट किया है ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो VCC है, तो VCC को हमने दे दिया है यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट उसमें। ठीक है, और ग्राउंड जो येलो वाला दिख रहा है उस ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए अब ग्राउंड है। तो ग्राउंड पिन को जो है हमने यहाँ पर ग्राउंड में दे दिया है। ठीक है, और ट्रिगर पिन और इको पिन, तो ट्रिगर पिन को हमने दिया है पिन नंबर 9 पे और इको पिन को हमने दिया है पिन नंबर 10 पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्ट हो जाता है। और अब जो है हम रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट। तो रिले मॉड्यूल को कैसे कनेक्ट किया, रिले का जो VCC था वो हमने यहाँ पर 3 वोल्ट में दे दिया है, 3.3 वोल्ट में। ठीक है, और ग्राउंड पिन को यहाँ पर हमने ग्राउंड में दे दिया है। और जो सिग्नल वायर्स है हम यहाँ पर एक ही रिले को कनेक्ट किया है, तो एक नंबर रिले को जो है सिग्नल वायर्स 2 में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आप जो इस तरह से सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। आप इस सर्किट डायग्राम को बना लीजिए, अब दिखाते हो इसके साथ आपको मोटर को जोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन तैयार। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आपको कोड समझा देते हैं और इस कोड को जो है आर्डिनो में अपलोड करते हैं। तो चलिए आपको कोड समझा देते हैं। पहले देखिए आप लोग कॉन्स्टेंट इंटीजर लिखे हैं। कॉन्स्टेंट इंटीजर में जो है हम लोग पिन को डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे कि हमने ट्रिगर पिन को दिया था पिन नंबर 9 पे, इको पिन को दिया था पिन नंबर 10 पे, और इसी तरह से रिले को पिन नंबर 2 पे। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से कनेक्शन किए थे उस तरह से आप इस पर डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है पिन मोड। तो पिन मोड में आपको बताना पड़ता है जो पिन में आप कनेक्शन किए हैं वो पिन इनपुट है कि आउटपुट है। ठीक है, तो देखिए पिन मोड में हम लोग बता चुके हैं। अब जो है ट्रिगर पिन और इको पिन को एक्टिव करने के लिए इस तरह से कोड को लिखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं कि कितने दूरी आने पर जो है दरवाजा आपके खोले। ठीक है, तो आप इस दूरी को अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से कोडिंग करने के बाद ये कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड लिखने के बाद जो है हम लोग इसे आर्डिनो में अपलोड कर लेंगे। तो आर्डिनो में कोड को अपलोड करने के बाद जो है हमने इस पर पावर दे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, आप कोड के मुताबिक जब भी इस सेंसर में 50 सेंटीमीटर से कम का दूरी में कुछ भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये मोटर जो है घूमने लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसका डिस्टेंस जो 50 से कम करते हैं, ये देखिए मोटर घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिले एक्टिव हो रहा है और ये मोटर घूम रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है हम जब भी दरवाजे के सामने आएंगे तो ये मोटर घूमने लगेगा और हमारा दरवाजा जो है वो खुलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम दरवाजे पे फिट करेंगे इस मोटर को। तो देखते हैं दरवाजा खुलता है कि नहीं, तो चलिए इसको फिट करते हैं दरवाजे में। चलिए, तो यह सभी चीज़ें हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब हम सभी चीज़ों को इस दरवाजे के साथ फिट कर लेते हैं। ठीक है,
ये देखिए हमने जो है सभी चीज़ों को कुछ इस तरह से सेट कर लिया है, सेटअप से चल गया। ठीक है, ये बैटरी, ये रहा सेंसर, ये रहा बैटरी, ये हमारा आर्डिनो और ये रिले बोर्ड, और रिले बोर्ड से हमने वायरिंग किया है जो कि डायरेक्टली इस मोटर के साथ जा रहा है। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर हमने किस तरह लगाया है इसे, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मोटर के लिए बैटरी है, तो आप कुछ इस तरह से हमारा दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी है। देखिए ये ऑटोमेटिक कैसे खुलता है। तो यार वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।